हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं, जब किसी भी कंप्यूटर में विंडो डालते हैं तो विंडो डालने के बाद एक कंप्यूटर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में विंडो डालना कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं होता है। एक कंप्यूटर में विंडो डालने के सिर्फ 4 से 5 स्टेप होते हैं। अगर आपको कंप्यूटर में थोड़ा बहुत भी आता है और कोई आपको बता दे कि कंप्यूटर में विंडो कैसे डालते हैं, चाहे वो कोई सा भी कंप्यूटर हो, लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है, आप आसानी से कंप्यूटर में विंडो डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, विंडो तो आप डाल लेंगे, लेकिन विंडो डालने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में वाईफाई लगा हुआ है तो आपका वाईफाई वर्क नहीं करेगा। अगर आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ भी वर्क नहीं करेगा। आपके कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो ग्राफिक कार्ड भी आपका वर्क नहीं करेगा। आप अपने कंप्यूटर में लैन केबल से इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट आपके कंप्यूटर में नहीं चलेगा। इसके अलावा आपके कंप्यूटर में स्पीकर है तो जब आप कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं और उससे आवाज नहीं आती है तो ये प्रॉब्लम भी विंडो डालने के बाद आ सकती है। ये तो था आपका मेन प्रॉब्लम, लेकिन इसके अलावा और भी कंप्यूटर में आपको दिक्कत आ सकती है। जैसे आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं लेकिन पेन ड्राइव आपको कनेक्ट नहीं होता है तो एक तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी वीडियो प्ले करते हैं लेकिन आपकी वीडियो की क्वालिटी साफ नहीं आती है तो ये भी प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर में आ सकती है। तो दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम मैंने आपको अभी बताया है, इन सभी का सोल्यूशन करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में इन सभी का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर देते हैं तो फिर आपके कंप्यूटर में ये दिक्कत नहीं आएगी। ड्राइवर फाइंड करने के लिए आपका कंप्यूटर जिस कंपनी का है उस कंपनी का वेबसाइट ओपन करके आप वहां से इन सभी का ड्राइवर एक एक करके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो तरीका मैं आपको अभी बताने वाला हूं, अगर आप उसका यूज करते हैं तो आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रॉब्लम है सभी का ड्राइवर ऑटोमेटिक डाउनलोड भी हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है। एक कंप्यूटर में विंडो डालने के बाद जितनी भी प्रॉब्लम आती है सभी का सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आपको एड्रेस बार में जा करके एक वेबसाइट आपको टाइप करना है, driverpack.io, और इंटर कर देना है। इंटर करते ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे नीचे एक बटन दिया हुआ है, इंस्टॉल ऑल रिक्वायर्ड ड्राइवर्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक सेटअप डाउनलोड होगा। डाउनलोड हो चुका है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इसे ओपन करने के लिए। और यहाँ पे आपको यस वाले बटन पे क्लिक करना है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पर आपको इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिनिश का बटन है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। फिनिश पे क्लिक करते ही ये सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है ओके स्टार्ट इंस्टॉलिंग, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ आएगा, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉलिंग इज ऑन। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं परसेंटेज स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपने कंप्यूटर के अंदर ना ही कोई ड्राइवर डाउनलोड करना है और ना ही इंस्टॉल करना है। यहां पर ये परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद जो भी ड्राइवर रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड भी हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। यहां पर 100% कंप्लीट होने के बाद यहां पर ये जो परसेंटेज है आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी उतना जल्दी ये परसेंटेज यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर जो परसेंटेज चल रहा है ये डाउनलोडिंग का परसेंटेज है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंप्यूटर में विंडो डालने के बाद ड्राइवर कैसे डाउनलोड करना है। अगर कंप्यूटर का वाईफाई, ब्लूटूथ, साउंड, लैन या फिर ग्राफिक्स वर्क नहीं कर रहा हो तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें ताकि मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।